पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वेस्ट यूपी में नशे और सट्टे की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात हसीना को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। करीब 3 साल पहले हसीना चरस की तस्करी करते वक्त पकड़ी गई थी। कोर्ट ने उस पर 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर आई हसीना कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर ही विफर पड़ी। गालियां देते हुए वो पुलिस वैन में जा बैठी। मजोला थाना क्षेत्र में जयंतीपुर में रहने वाली हसीना को पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने 9 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से नशे के 69 प्रतिबंधित इंजेक्शन, 480 कैप्सूल और 1.5 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस और औषधि विभाग ने हसीना के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ADJ 9 ज्ञानेंद्र सिंह यादव की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट वैभव अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद हसीना को दोषी माना है। उसे दोनों मामलों में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि को भी सजा में शामिल किया जाएगा। देखिए, 2019 में हसीना नाम की एक अभियुक्ता है, वो पकड़ी गई थी NDPS में और इसके पास से नशे के इंजेक्शन भारी मात्रा में बरामद हुए थे और 1.5 किलो लगभग चरस बरामद हुई थी, जिसका अभियोजन हमारे द्वारा किया गया। न्यायालय ADA 7 में इसका मुकदमा चला, जिसकी पैरवी मैंने और मेरे साथी महेंद्र सिंह कश्यप के द्वारा पैरवी की गई और हम लोगों ने भरपूर इसमें टीम बनाकर एक कार्य किया और उसके बाद में हमको अभियोजन ने पूरा अपना मुकदमा सिद्ध किया और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई। कितनी सजा इनको दी गई है? ये इसको 2 धाराओं में 8/20 में 10 साल और 8/22 में 10 साल, इसमें 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख का जुर्माना हुआ है। क्या ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग रहेंगी? देखिए, उसके बाद में दोनों सजाएं एक संग चलेंगी। टोटल इसको 10 साल इसको काटनी पड़ेगी। अब कितने साल से लगभग जेल में है? ये करीब 1 साल से जेल में है और हम इस सजा को बढ़ाने के लिए इसकी ऊपर अपील भी करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ? इसके ऊपर करीब 24 मुकदमे और दर्ज हैं। और किस तरह के मुकदमे हैं? वो भी गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं और उसकी भी तैयारी भरपूर तरीके से की जाए। अभी इन्हें न्यायालय के द्वारा 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया गया है। 10 साल इनको जेल में रहना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।